नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। विद्यार्थियों, जो आज पेपर हल करने वाला हूँ आपकी कक्षा छः का इंग्लिश सब्जेक्ट का, विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में इन्हीं में से जाने ज़्यादातर पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, बिल्कुल नहीं भी है, निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ, फालतू का समय बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होने वाला आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यही इन्हीं में से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो आपको अच्छे अंकों के साथ पास होने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखो विद्यार्थियों ज़्यादातर कमेंट आता है पूर्णांक से रिलेटेड। तो विद्यार्थी पूर्णांक है वो आपके विद्यालय पर निर्भर करता है कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है, ठीक है। इस पर आपको बहस नहीं करनी है, आपको देखना है समय और जो पेपर देखना है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो यही होने वाला है आपके। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आएगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हिंदी में कहते हैं, उसी को किस तरीके से करना है, सभी प्रश्नों के में आंसर है, स्टेप बाय स्टेप सभी का सभी पूरे का पूरा मैं आपको सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डे, यानी जो डे होता है उसको ऑपोजिट क्या होता है, डे का होगा नाइट, क्या होगा नाइट, मीन्स रात। डे का मीन्स होता है दिन, नाइट मीन्स रात। द राइमिंग वर्ड ऑफ अ हाउस इज, राइमिंग वर्ड्स का मीन्स होता है जैसे कि किसी भी शब्द का उच्चारण दोनों शब्दों का एक जैसा हो, जैसे कि हाउस, हाउस को हम उच्चारण के तौर पर हाउस बोलते हैं ना, इसी तरीके से इसका भी उच्चारण सेम होना चाहिए। तो देखिएगा, डांस, सांस, सॉस और ये माउस, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, माउस, हाउस, इस तरीके से राइमिंग वर्ड ये सेम हो रहा है इनका, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद ए वर्ड दैट टेल अबाउट नाउन इज कॉल्ड, यदि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उसको क्या कहते हैं, ओके, तो उसको सभी को पता है प्रोनाउन कहते हैं, स्वरनाम कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है ए स्माइल ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली डायरेक्टली कंपेयर टू थिंग्स विथ ही वर्ड, यानी दो शब्दों की अगर दो वस्तुओं की तुलना की जाए, ठीक है, तो उसके लिए किस वर्ड का प्रयोग होगा किस, ठीक है, तो उसमें से आपका देखिएगा एज ए लाइक, एज या लाइक दोनों में से कोई एक का प्रयोग हो सकता है अगर दोनों चीज़ों की अगर तुलना करनी हो, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज स्पिनेच कॉल इन हिंदी, तो इसका जो हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको पालक कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थी, पालक। और आर्टिकल एन इज ए यूज बिफोर ए वर्ड बीइंग विथ, तो आर्टिकल एन का प्रयोग, ए एन होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, तो इसका कंडीशन होती है आपके स्वर से, कोई भी वर्ड है वो आपका स्वर से शुरू होना चाहिए, कोई भी मीनिंग है या कोई भी जो भी नाम वगैरह है वो स्वर से शुरू होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो वहाँ आपको ए एन का प्रयोग होगा। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि मैंने सभी बता दिए, वो आपके एग्जाम के लिए ही है, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन हूबहू आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तैयारी कम है नहीं है, निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है बेहतर रहेगा बाकी विद्यार्थियों से। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट, यानी उचित खाली जगह भरनी, उचित शब्दों का प्रयोग करके जो ये दे रखा है खाली शब्द में जो ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं इसका प्रयोग करना है। तो ये दे रखा है कि बिंदु रिक्वेस्ट हर फादर टू बाई ए स्मार्टफोन, या ए आएगा। उसके बाद अगला है ऑपोजिट ऑफ फॉरगेट इज, तो फॉरगेट है ये, आर नहीं है, पीछे ध्यान रखना, फॉरगेट भी कह सकते हैं, फॉरगेट, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फॉरगेट का जो ऑपोजिट होगा रिमेंबर होगा, ठीक है, रिमेंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ आ जाएगा आपके व्हाट इज योर नेम। तो ये आपके जो अप्रोप्रिएट जो वर्ड थे उनने उसका प्रयोग कर दिया है। उसके बाद एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टेक्स्ट बुक है ना उन्हीं में से पूछा जा रहा है, ये पेपर है आपके हूबहू आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है कि चैनल वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा, जब हम जब आपको सॉल्यूशन करवाते हैं तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, याद होगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ओके, देखिएगा यहाँ जो दे रखा है कि कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन वाज इन स्पेस शटल कोलंबिया, तो यहाँ कोलंबिया आ जाएगा। उसके बाद द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज, यानी किसी स्थान वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद कैमल हु हैज ओनली वन हम्प इज कॉल्ड, उसको कहते हैं ड्रोमेड्री, क्या बोलते हैं, ड्रोमेड्री बोलते हैं, जो ये कुबड़ होती है ना, कुबड़ ऊँट की, उसे। और विथ द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स अन मेक एन अपोजिट ब्रेकेबल, तो अन का प्रयोग करके, इस यू एन का प्रयोग करके आपको किसका ऑपोजिट बनाना है, ब्रेकेबल का, ब्रेकेबल का ऑपोजिट हो जाएगा अनब्रेकेबल, क्या हो जाएगा, अनब्रेकेबल, तो ये आपका अनब्रेकेबल हो जाएगा।
इसी तरीके से ये आपका मैंने सोल्यूशन कर दिया। ये आपका था जो आंसर थे वन वर्ड में लिखने थे। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी है वो इसमें क्या पूछा जाएगा देखिए क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा आपके जो टेक्स्ट बुक है आपके यूनिट है उनमें से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। देखिएगा किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और ये आपको परीक्षा में आएंगे, देख लेना विद्यार्थियों ये इन्हीं में से आपको क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अभी से कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखे ध्यान दो, और चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं स्टूडेंट तो इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी एग्जाम से पहले, ठीक है। अब पर्सन क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन आए हैं कि वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न, वे इज सी कॉल्ड इन इंडिया अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, तो इन प्रश्नों का मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि आपको नोट कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जो बता रहा हूँ, फिर आप पासबुक से अपनी जो टेक्स्ट बुक है उनमें से याद करने करिएगा। याद करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि यही पूछे जाएंगे तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट कर लेना। उसके बाद वे डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक एविस, उसके बाद वे डिड यू थिंक वी राइटर विजिट मिस डिम्स स्कूल, और उसके बाद है वे डिड द वाटरफॉल गिव टू सेक एंड अदर वाटर, ओके। तो ये चार क्वेश्चन दे रखे हैं ना, चारों को तैयार कर लेना, अभी से कह रहा हूँ तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, यानी आपको क्या करना है, संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, जिसे हिंदी में संज्ञा लिखते हैं ना उसी नाउन की अंग्रेजी में आपको परिभाषा लिखनी है। अगर ये नहीं आता है परिभाषा कोई बात नहीं, और दे रखा ना, और का मीन्स होता है अथवा में, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अथवा, तो दोनों में से कोई एक करना है, तो दोनों में से कोई एक कौन सा करोगे, ये वाला, ये जो दे रखा है ना, यह प्रश्न क्या दे रखा है कि मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो बाई एडिंग नेस या ITE, तो यह प्रश्न दे रखा है कि जो नेस और ITE का प्रयोग करना, किस शब्द के पीछे यानी SS लगेगा और किस शब्द के पीछे ITY लगेगा, तो आप सभी को बता देता हूँ मैं, तो यह काइंड, जो काइंड है ना, या NES, या काइंडनेस लगे, जैसे KINDNESS, ये काइंडनेस हो गया, समझ गए ना, तो इसी के पीछे NES लगेगा, और यहाँ जो बेटर दे रखा है बीटर, तो यहाँ बीटरनेस, ये इसके भी NES NESS लगेगा, और यहाँ मैश्योर दे रखा था, मैश्योरिटी लगेगा, यहाँ ITY लगेगा, ई हट जाएगा पीछे, इस MATURE के पीछे ई हट जाएगा, उसके बाद मैच्योरिटी लगेगा, ITY लगेगा। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी ई हट जाएगा, ITY लगेगा, इसके पीछे भी आपको क्या बोलेगा लगेगा, ITY लगेगा, ओके। तो दोनों जो शुरुआत के दोनों हैं उसके पीछे NESS लगेगा, और जो अंत के दोनों हैं उसके पीछे आपके क्या लगेगा, ITY लगेगा, इस ई हट जाएगा, इसी तरीके से आपको लगाना है। उसके बाद राइट ए वर्ड फॉर वर्ड्स विद द हेल्प सफिक्स NES, तो NES का प्रयोग करके आपको चार वर्ड बनाने, जो पहले हमने बनाया ना, यहाँ जो काइंडनेस है, इसी तरीके से आपको चार वर्ड बनाने NES का प्रयोग करके, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला तो ये आ गया काइंडनेस वाला, ठीक है, एक काइंडनेस, ये होगा काइंडनेस। दूसरा है आपका ब्लाइंडनेस, भी कह सकते हैं BLINDNESS, ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं, और डिफनेस भी कह सकते हैं इसको हम, डिफनेस DEFNESS, डिफनेस भी कह सकते हैं, और उसके बाद फिटनेस भी लिख सकते हैं FITNESS, फिटनेस, काइंडनेस, डिफनेस और ब्लाइंडनेस, इसी तरीके NESS का प्रयोग करके आप कुछ वर्ड बनाने थे, वो कितने, चार बनाने, जो कि मैंने बता दिए कि अथवा में दे रखा है, तो कोई नहीं, दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद गिव द फॉर मीनिंग ऑफ प्रहेस, जो दे रखा है प्रोसेस का जो मीनिंग दे रखा है, ब्लास्ट ऑफ और कैरी ऑन, तो यहाँ देखिएगा इसका जो ब्लास्ट ऑफ का जो अर्थ होता है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है, और उसके बाद कैरी ऑन का भी देखिएगा, पहले सबसे पहले आप ब्लास्ट ऑफ का देखिएगा, ब्लास्ट ऑफ का जो आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश की, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कैरी ऑन की बात आएगी, कैरी ऑन का भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए, एग्जाम में आप गलत ना करो, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, सभी प्रश्नों को मैं बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। पेपर है वो इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षाओं में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ये और मैं दे रखा, कोई नहीं, इसे नहीं करना है, आपको एक ही प्रश्न करना है दोनों में से कोई। सेक्शन सी, PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ देखा राइट एन आंसर, राइट आंसर लिखना है एनी थ्री, यानी तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, कितने, तीन प्रश्नों के उत्तर, तो ये प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पूरे के पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना है,
और ये सारे के सारे जो 5 प्रश्न दे रखे हैं, 5 और 5 याद करने हैं। इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा आपके परीक्षाओं में, भी कह रहा हूँ इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए 5 प्रश्न तैयार कर लेना, ओके। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका पूछा जाएगा क्या, पैसेज, जिसे कहते हैं पैसेज कहते हैं, और पैसेज और एक्स्ट्रे, ओके। जैसे देखा, रीड द एक्स्ट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको एक्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने। इसको पढ़ लेना किस तरीके से, जैसे कि आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज द हाउस, इट इज ए रेक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए हार्ड यार्ड। जिस तरीके से ये दे रखा होगा एक्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है आपको, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। क्या करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि राइट द पोइट नेम, तो सबसे पहले तो इस कविता के जो कवि है ना उसका नाम लिखना है, क्या नाम है। आप देखो शॉर्ट नाम लिख देना, अगर हो पूरा याद ना हो तो शॉर्ट नाम HALI, ठीक है, एम हेली लिख देना, ओके। ये लिख देना आपको, इसका जो कविता है के जो लेखक है, जो भी कवि कहते हैं, उसका नाम है एम हेली, जिसे पूरा नाम है कि लॉरेंस, क्या बोलते हैं, लॉरेन एम हार्ली कहते हैं। आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है। उसके बाद है व्हाट इज द हाउस अकॉर्डिंग द पॉइंट, कवि के अनुसार घर कैसा है, तो कवि के अनुसार इट इज रेक एंड स्टोन, यानी वो कैसा है, रेक एंड स्टोन है। उसके बाद फाइंड द साइनोमन जो दे रखा है वर्ड, परहेप्स का आपको सिनोमन दे रखा है, तो इसका हो जाएगा आपका परहेप्स का क्या हो जाएगा, पॉसिबल, क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, POSIBLY, पॉसिबल ही हो जाएगा परहेप्स का, ओके। तो आपको मैं साइड में लिख देता हूँ इसका, POSS उसके बाद BLY, पॉसिबली। और उसके बाद ए हाउस इज ए मेजर्ड इन, तो घर को किस में मापा जा गया था, तो इसको स्क्वायर फीट में, SQUARE, स्क्वायर फीट में, किसमें, स्क्वायर फीट, यानी ए हाउस इज मेजर्ड इन स्क्वायर फीट, यानी घर को किसमें, घर को जो मापा गया था ना वो स्क्वायर फीट में मापा गया था, SQUARE FEET, स्क्वायर फीट में। और उसके बाद देखिएगा अगला है 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है आपका पैसेज आएगा, क्या आ जाएगा, पैसेज, तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दे, पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ना है विद्यार्थी, कह रहा हूँ एक्सट्रैक्ट को भी आपको 2 से 3 बार पढ़ना है और पैसेज को भी 2 से 3 बार पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभी से कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के लिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल में, ओके, और आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, निश्चिंत रहिए आपका स्कोर बेहतर रहेगा अगर आप पूरा ध्यानपूर्वक याद कर लेते, अध्ययन करते हो, पूरा वीडियो देखते हो, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आप, तो हमने पढ़ लिया है आपको, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना। प्रश्न क्या दे रखा है, हु वाज द स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्प, तो पैसेज को पढ़ा है ना, तो यहाँ दे रखा सी, यहाँ जो इसका आंसर दे रखा सिंग द बियर वाज स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बियर, क्या हो जाएगा, बियर, यानी बालू है वो भेड़िए से ज़्यादा कैसा था, मजबूत सा। उसके बाद हु डिसाइड टू टेक अप सर्विस विद हिम, किसने डिसाइड किया सर्विस देने का उसके साथ, तो यहाँ डॉग डिसाइड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो यहाँ आपके डॉग आ जाएगा, यहाँ दूसरे में डॉग लिखना है, पहले में बियर लिखना है, दूसरे में आपको डॉग लिखना है, तो ये आपका फर्स्ट का आ जाएगा और ये आपका सेकंड का आ जाएगा। उस तीसरा है, तीसरा क्या जाएगा, हु वाज द न्यू मास्टर ऑफ डॉग, तो मास्टर का जो डॉग है कुत्ता था उसका नया मास्टर कौन था, तो यहाँ आपका बियर क्या आ जाएगा, यहाँ बियर, भालू, भालू है वो किसका, कुत्ते का नया मास्टर था, तो पहले में बियर, दूसरे में डॉग, तीसरे में बियर, तीसरा, ओके, तीनों का तीनों मैंने बता दिया। इसी तरीके से आपको पैसेज में से ही आंसर को निकालना है। यहाँ प्रश्न दे रखा किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने, मैंने तीनों को बताया आपको, जितना पूछा है उतने प्रश्नों के आंसर देने, तो यहाँ 2 पूछा है तो सिर्फ 2 प्रश्नों के आंसर देने। अब एक ये, उसके बाद सेक्शन ई में देखिएगा आपका रीअरेंज करना, जो दे रखा है इसको सेंटेंस दे रखा है, इसको प्रॉपर स्टोरी के अनुसार आपको रीअरेंज करना है, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होता है। तो अगर आपको स्टोरी याद है, वंस देयर वाज ए माउस, एक बार एक चूहा था, ठीक है, और द गर्ल वांटेड टू मैरी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो ये अगर आपको याद है तो आप इस तरीके से पूरा प्रॉपर वाइज आपको जो सेंटेंस है आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। ये अथवा में दे रखा है, अगर आपको वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ये कर देना, ठीक है, इसको खाली जगह भरनी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी नोट जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसमें आप देखिएगा इसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी कह रहा हूँ आप इसे तैयार कर लेना। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्या आता है, या तो आपको स्टोरी पैराग्राफ देखना पड़ेगा माय बेस्ट फ्रेंड पर,
अभी बता रहा हूँ माई बेस्ट पर, माई बेस्ट फ्रेंड, ए बेस्ट फ्रेंड, या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए, यानी राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर ग्रांटिंग यू लीव फॉर 2 डेज एज योर इल, यानी आप बीमार हो अपने तो जो प्रधान अध्यापक जी को 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखनी है। और एक और मैं बता देता हूँ, आप TC के लिए ज़रूर आप एक एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से 100% एक आध पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ओके। तो ये अंग्रेजी विषय का जो पेपर था कक्षा 6 का, मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप देखिएगा चैनल पर जाइए, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।